जरीपटका थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 7 साल के मासूम बच्चे को एक व्यक्ति ने अपनी हवस का शिकार बनाते हुए बच्चे के साथ अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक जरीपटका थाने में पीड़ित बच्चे के पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को दी गई जानकारी में बच्चे के पिता ने बताया कि जब बच्चा खेल रहा था तो आरोपी उसके पास आया और बच्चे को 10 रुपए का झांसा देकर अपने घर ले गया, जहां आरोपी ने बच्चे के साथ जबरन अप्राकृतिक संभोग किया। घटना के बाद बच्चा घर आया तो उसने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। इस मामले में बच्चे के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जरीपटका थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8 और 10 के तहत भी मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मी एपीआई सुनीता विश्वनाथ काळे, पुलिस स्टेशन जरीपटका येथे नेमणुकीस आहे। काल दिनांक 15/2/2023 रोजी पुलिस स्टेशन जरीपटका येथे अपराध क्रमांक 123/23 भादवी कलम 377 सह कलम 4, 6, 8, 10 पोस्को अन्वये आरोपी नामे स्टॅनली उर्फ बंटी सिल्वेस्टर जोसेफ वय 30 वर्ष राहणार लूर्दमाता नगर मार्टिन नगर पोलीस ठाणे जरीपटका नागपूर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे। या गुन्ह्यातील सविस्तर घटना अशी आहे की एक 7 वर्षाचा मुलगा आहे आणि तो 7 वर्षाचा मुलगा आपल्या शेजारी त्याच्या मित्रासोबत मित्राच्या घरी खेळत होता। तिथे हा सदर घटनेतील आरोपी तिथे गेला व त्या मुलाला 10 रुपयाचे आमिष देऊन त्याच्या घरी घेऊन गेला आणि त्या मुलाचे कपडे वगैरे उतरवून त्याच्यासोबत लैंगिक अत्याचार केलेला आहे। नाही असं आरोपीविरुद्ध आतापर्यंत काही गुन्हे दाखल झालेले नाही। कलम भादवी कलम 377 सह कलम 4, 6, 8, 10 पोस्को अन्वय आता तपासावर गुन्हा सध्या आहे, पीसीआरसाठी आता जाणार आहोत। एनबीसीएन न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।